हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यम केक्स। मेरा नाम ट्विंकल देवानी है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेंटो केक। बेंटो केक यूजुअली वाइट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा लंच बॉक्स रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा केक रहता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे नॉर्मली यूजुअली जैसे बॉक्स और बोर्ड यूज़ करते वही यूज़ करेंगे, बिकॉज कस्टमर को दूर ट्रैवल करना था। सो बेंटो केक में हमेशा क्या होता है ना, इट रेंजेस अराउंड 200 से 250 ग्राम के आसपास जाता है, ठीक है। अगर हम चॉकलेट केक बनाए तो वो आराम से आपका 250-260 ग्राम तक चला जाता है। बट वही चीज़ अगर आप क्रश वाले टाइप केक्स बनाओगे, जैसे स्ट्रॉबेरी, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल, तो वो इट विल रेंज के 200-220, कुछ 230 तक जाता है। बट वो ज़्यादा वेट नहीं ले पाते बिकॉज चॉकलेट हैवी होता है और क्रीम और पाइनएप्पल के केक इतने हैवी नहीं होते हैं। सो यहाँ पे जब भी आप केक की लेयर रख रहे हो, उसके नीचे या तो गनाश या तो क्रीम लगा के रखो ताकि वो स्लाइड ना हो। एंड हम लोग सेम लेयरिंग्स करेंगे, केक का स्पॉन्ज रखेंगे, उसमें सोकिंग करेंगे, उसके बाद हम गनाश लगाएंगे, वाइस वर्सा सारे के सारे लेयर्स हम लोग ऐसे ही करके क्रम कोट करके हम फिनिशिंग दे के इसे फ्रिज में रखेंगे फॉर 20-25 मिनट्स एंड देन हम आउटर फिनिशिंग करेंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसे सेट करने के बाद हम आउटर फिनिशिंग देंगे। यूजुअली चॉकलेट ट्रफल का डिज़ाइन आउटसाइड चॉकलेट ही रहता है, बट यहाँ पे कस्टमर की एक डिज़ाइन थी जो बाहर हमें करनी थी पिंक शेड में, इसलिए हम क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बेबी शेड का क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड इसे हम साइड में लगाएंगे एंड एज़ यूजुअल हम स्क्रेपर की हेल्प से इसे फिनिशिंग देंगे। सो इसे सिर्फ लगाते जाना है एंड स्क्रेपर की हेल्प से इसे फिनिशिंग देनी है। सो हम थोड़ा सा क्रीम लेंगे एंड उसमें पिंक कलर और डालेंगे। डालने के बाद हम केक के ऊपर लगाएंगे। कुछ ट्रेंड चल रहा है जैसे डार्क और लाइट शेड से पैलेट नाइफ से ही डिज़ाइन देना, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने ना पैलेट नाइफ में थोड़े से ड्रॉप्स ले लिए पिंक जेल के, टैप 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 किया एंड उसे zigzag किया, तो उसकी वजह से प्रिटी डिज़ाइन भी बना एंड शेड भी बहुत प्रिटी आया। उसके बाद मैं वापस जेल लेके साइड में टैप कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा साइड में भी आ जाए। सो यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन रेडी है। अभी इसके ऊपर मुझे सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखना है। सो यहाँ पे आपको मैं वेट चेक करवा के बताती हूँ। मैंने ज़ीरो करके रखी हूँ मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे है 297 ग्राम्स, ठीक है। एक्चुअल में बोर्ड के साथ वो केक है इसलिए 297 है, एक्चुअल में उसका वेट है अराउंड 250-255 ग्राम्स। सो यहाँ पे बेंटो केक रेडी है। मैंने वाइट क्रीम को पतला करके पाइपिंग बैग में डाल के मैंने हैप्पी बर्थडे पाइप किया एंड लिटिल बिट हार्ट डाले एंड मैंने सिल्वर फुसफुस भी लगाया सो दैट ये शाइन करे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।